Allah'u Ekber, Allah الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له दीक हो के ज़माने का जिक्र चल रहा था और आपके दौर में जो वाक़ हुए उनका ज़िक्र हो रहा था आपके ऐद खिलाफत में शाम की तरफ जो पेशकदमी हुई उस बारे में आज ज़िक्र होगा जब हजूब के शदीक़ बागी मरतद्दीन की सरकूबी से फारग हो गए और अरब मुस्कम हो गया तो आपने बैरूनी जार हीत के मुरत मखालफी में से एहल रोम से जंग करने के मुतल सोचा ये लोग जार कौम थे मुसलमानों को तंग करते रहते थे मगर अभी तक किसी को इससे आगाह नहीं किया था मुल्क शाम की हुकूमत को जो आजकल शाम है उसको सल्तनत रोम कहा जाता था वहाँ के बादशाह को कैसे रोम के लकड़ से पुकारा जाता था आप अभी इसी और फिक्र में लगे हुए थे कि इसी दौरान हजरत शराबील बिन हसना आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपके पास बैठ गए और अर्ज़ किया ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफ़ा क्या आप शाम पर लश्करकशी के बारे में सोच रहे हैं हज़ू ने फ़रमाया कि हाँ इरादा तो है लेकिन अभी किसी को मुतलक नहीं किया तुम तुमने किस वजह से यह सवाल किया ने अर्ज़ किया कि जी हाँ ए रसूल सल के खलीफा मैंने ख़्वाब देखा है कि आप अपने साथियों के साथ दुशवार गुजार पहाड़ी रास्ते पर चल रहे हैं फिर आप एक बुलंद चोटी पर चढ़ गए और लोगों को कुत, किधर देखा और आपके साथ आपके साथी भी हैं फिर आप इस चोटी से उतर कर एक नरम दरखेज़ ज़मीन में आ गए जिसमें फ़सलें चश्मे बस्तियाँ और किले मौजूद हैं और आपने मुसलमानों से फरमाया कि मशरक पर हमला कर दो मैं तुम्हें फतह और माल गनीमत के हसूल की ज़मानत देता हूँ इस पर मुसलमानों ने हमला कर दिया और मैं भी झंडे के साथ इस लश्कर में शामिल था मैं एक बस्ती की तरफ गया तो उसके रहने वालों ने मुझसे अमान तलब की मैंने उन्हें अमान दे दी फिर मैं आपके पास वापस पहुंचा तो आप एक अजीम किले तक पहुंच चुके थे आपको फतह अदा की गई उन्होंने आपसे सुला की दरख्वास्त की फिर आपके लिए एक तख्त रखा गया आप इस पर तशरीफ़ फरमा हो गए फिर आपसे एक कहने वाले ने अर्ज़ किया अल्लाह ताला ने आपको फतह से नवाजा है और आपकी मदद की है लिहाजा आप अपने रब का शिक्र अदा शुक्र अदा करें और उसकी इतात करते रहें फिर उस शख़्स ने इन आयात की तलावत की कि नसरल्ल वफत वरायत नाशलूना फ़ीदी ला फाजा फब्ब हमदे रब का वस्तफिर इन्ना हुक़ान तबाबा यानी जब अल्लाह की मदद और फतः फतह आएगी और तू लोगों को देखेगा कि वो अल्लाह के दिन में फ़ौज दर फौज दाखिल हो रहे हैं बस अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बी कर और उससे मफरत मांग यकी वो बहुत तोबा कबूल करने वाला है कहते हैं इसके बाद मेरी आँख खुल गई ये लंबी ख्वाब थी इस पर हजतर ने फरमाया ये खब सुन के तुम्हारी आँखें ठंडी हों तुमने अच्छा ख्वाब देखा है और अच्छा ही होगा इन शस्तर ने फरमाया तुमने फतः की खुशखबरी और मेरी मौत की इतला भी दी है इसमें ख्वाब में ये बात कहते हुए तो वो घर की आँखों में आंसू आ गए आपने फ़रमाया रहा पथरीला इलाका जिस पर चलते हुए हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए थे और वहाँ से नीचे झांककर कर लोगों को देखा था तो इसका मतलब ये है कि हमें इस लश्कर के मामले में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और इन लश्कर वालों को भी मुसीबत झेलनी पड़ेगी इसके बाद फिर हमें गलबा और इस्तेकाम हासिल हो जाएगा और जहाँ तक हमारा पहाड़ की चोटी से उतर कर जरख़ेज़ ज़मीन की तरफ जाने का ताल्लुक़ है तो इसकी तबीर यह है जिसमें इसमें सरसबोशदाब फ़सलें चश्मे बस्तियाँ और किले थे तो इससे मुराद ये है कि हम पहले से ज़्यादा आसानी पाएंगे जिसमें खुशहाली और फराखी होगी और हमें पहले से ज़्यादा दरखेज़ ज़मीन मयसर आएगी जहाँ तक मेरा मुसलमानों को हुक्म देने का ताल्लुक है कि दुश्मन पर हमला करो मैं फतह और माल माली गनी, माल गनीमत की जमानत देता हूँ तो इससे मुराद मेरा मुसलमानों को मशरकिन के की तरफ भेजना और उन्हें जहाद पर उभारना है और जहाँ तक इस झंडे का ताल्लुक है जो तुम्हारे पास था जिसको तुम लेकर इन बस्तियों में से एक बस्ती की तरफ गए और इसमें दाखिल हुए और वहाँ के लोगों ने तुमसे अमान तलब की और तुमने उन्हें अमान दे दी तो इसका मतलब ये है कि तुम उस इलाक़े को फतह करने वाले उम्र में से एक हो गए और अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों फ़तह देगा और रहा वो किला जिसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए फतह कराया तो इससे मुराद वो इलाका है जिसे अल्लाह ताला मेरे लिए फतह फ़याब करेगा और जहाँ तक इस तख्त का ताल्लुक है जिस पर तूने मुझे बैठा हुआ देखा तो इसकी तबीर यह है कि अल्लाह ताली मुझे इज़्ज़त और रफ्त से नवाजेगा और मशीन को जलीलो रसुवा करेगा और जहाँ तक उस आदमी का ताल्लुक है जिसने मुझे नए कमाल और अल्लाह ताली की इतात का हुक्म दिया और मेरे सामने सूर्य नसर की तलावत की तो इस तरह उसने मुझे मेरी मौत की खबर दी है यही सूरत जब नबी करीम पर नादल हुई तो आपको इलम हो गया था कि इस सूरत में आपकी वफात की खबर दी जा रही है तो ये तभीर हजरत बकर ने उसकी खाप की फरमाई बहरहाल जब हजरत बकर ने शाम की फतह की लशनी लश्कर तैयार करने का इरादा किया तो उन्होंने मशरे के लिए हजरत उमर हजरत उस्मान हजरत अली हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ हजरतल हजरत ज़ुबैर हजरत बिन अबी वक़ास हजरत उबैदा बिन जरा और अहले बदर में से कुबार महाजरीन और महाजरीनोंसार निज़ीगर सहाबा को तलब किया जब यह साहब आपके ख़िदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं अमाल उनका बदला नहीं हो सकते इस बात पर अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा हमद करो कि उसने तुम पर एहसान किया और तुम्हें एक कलमे पर जमा किया और तुम्हारे दरमियान सुलह करवाई तुम्हें इस्लाम की हदायतः फरमाई और तुम शैतान को दूर किया अब शैतान को तुम्हारे शिरक में उब होने और ख़ुदा के सिवा किसी और को मबूद बनाने की उम्मीद नहीं रही आज अरब एक उम्मत हैं जो एक ही माँ बाप की औलाद हैं मेरी राय ये है कि मैं उनको रूमियों से जंग के लिए शाम भिजवाऊँ जो उनमें से मारा गया वो शहीद है अल्लाह ताला ने नेक काम करने वालों के लिए बेहतरीन बदला तैयार कर रखा है और इनमें से जो जिंदा रहा वो दीन इस्लाम का दिफा करते हुए जिंदा रहेगा और अल्लाह ताला से मुजाहिदीन के अजर षवाब को मुस्तक होगा ये मेरी राय है अब आप लोगों में से हर शख्स अपनी राय के मुताबिक मशोर दे हर तो वो करने उन लोगों से मशवरा मांगा इस उमर बिन खताब खड़े हुए उन्होंने कहा सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता है खैर वरकत से नवाजता है अल्लाह की कसम भलाई के जिस मामले में भी हमने आपसे आगे बढ़ना चाहा आप इसमें हमेशा हम पर सब कुछ ले गए ये अल्लाह ताली का ख़ास फजल व करम है वो जिसे चाहता है नवाजता है अल्लाह की कसम मैं आपसे इसी मकसद के लिए मुलाकात करना चाहता था जो आपने अभी बयान किया है लेकिन अल्लाह ताला को यही मंजूर था कि मैं ये बात आपसे कर ना सका हती कि आपने ख़ुद ही इसको तस्करा कर दिया यकीन आपकी राय सही है अल्लाह ने आपको सही राह का इधरा कता फ़रमाया है फिर हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ़ हजरत ऊस्मान बिन अफ़ान तलहब हज जुबैर हजर सात हजरतबैदा हजर सैद बिन जैद हजरतली और दीगर तमाम महाजरीन मजलिस मुहाजरीन और अंसार ने आपकी राय की तायद करते हुए अर्ज किया हम आपकी बात भी सुनेंगे और अत भी करेंगे हम आपके हुक्म की आपकी हुक्मदुली नहीं करेंगे और आपकी तहरीक पर लबैक कहेंगे फिर हज़त होकर लोगों से खिताब करने के लिए खड़े हुए दोबारा और आपने अल्लाह ताला की हमदोस्ना बयान की जिसका वो अहल है और नबी करीम सल्लमसलाम भेजा फिर फरमाया लोगों दिला शुबा अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम की नेमत ने देकर तुम पर बड़ा एहसान किया तुम्हें जिहाद के ज़रिए से मज़्त किया तुम्हें दीन इस्लाम के ज़रिए दूसरे दयान पर फजीलत दी लिहाजा अल्लाह के बंदो मुल्क के शाम में रोमियों से जंग के लिए तैयार हो जाओ अब मैं तुम्हारे उम्र मुकर करने वाला हूँ और उन्हें तुम्हारा कमांडर बनाने लगा हूँ तुम अपने रब की इजात करना अपने उम्र आ की ख़िलाफ़ वर्जी न करना और अपनी नीयत रज़ालाही के लिए खालस रखना सरत व तो करदार बेहतर है बेहतर से बेहतर बनाना और खाना पीना सही रखना अल्लाह ताली परहेजगारों और एहसान करने वालों का साथ देता है हजरत अबूकर ने हजब लाल को हुम दिया तो उन्होंने लोगों में ऐलान कर दिया कि ये लोगों अपने रोमी दुश्मन से जंग के लिए शाम की तरफ निकलो और मुसलमानों के अमीर हजरत खालद बिन सईद होंगे मुल्क शाम की फतुहात के सिलसिले में हजत अबीकनों ने सबसे पहले हजरत खालिद बिन सईद को रवाना फरमाया चनाचे एक रवायत के मुताबिक हजत व बकर जब हज करके वापस मदीना ज शीफ लाए तो तेरह हिजरी में आपने हज खालिद बिन सईद को एक लश्कर के हम शाम की तरफ रवाना फरमाया जबकि बाद लोग कहते हैं कि जिस वक्त हज बकर ने खालिद बिन वलीद को राख रवाना फरमाया था उसी वक्त हज खालिद बिन सईद को शाम की तरफ रवाना फरमाया था लिहाजा सबसे पहला झंडा जो शाम की फ़तह के लिए लहराया गया वह हज खालिद बिन सईद का था इसके अलावा एक रवायत से मालूम होता है कि जब हजरत अबू बकर ने मरतदीन के ख़िलाफ़ ग्यारह लश्कर तैयार करके रवाना फरमाए थे तो उस वक्त ही आपने हजरत खालिद बिन सईद को शाम की सरहदों की हिफाजत के लिए तैमा जाने का हुक्म दिया था और हदायत फरमाई थी कि अपनी जगह से ना हटना अतराफ के लोगों को अपने से मिलने की दावत देना और सिर्फ़ उन लोगों को भर्ती करना जो मरतदना हुए हों और सिर्फ उनसे जंग करना जो तुमसे जंग करें यहाँ तक कि मेरी तरफ़ से कोई और हुक्म आ जाए तीमा जो है ये भी शाम और मदीना के दरमियान एक मशहूर शहर है हज़ोबकर ने रोमियों के ख़िलाफ़ जंग के लिए अहल मदीना के अलावा दीगर इलाकों के मुसलमानों को भी तैयार करना शुरू किया और उन्हें जिहाद में शामिल होने की तरगीब दिलाई चनाचे आपने अहिल यमन की तरफ भी एक ख़त लिखा जिसका मतन इस तरह से है कि रसूल सल वसम के, के खलीफा की तरफ से अहल यमन में से ममिन और मुसलमानों के हर फर्द के लिए जिस पर यह पढ़ा जाए तुम पर सलामती हो मैं तुम्हारे सामने अल्लाह की हमद करता हूँ जिसके सिवा कोई मबूद नहीं अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर जिहाद फ़र्ज़ किया है और उन्हें हुक्म दिया है कि वो इसके लिए थोड़ी तैयारी या भरपूर तैयारी करके निकलें अल्लाह ताला ने फरमाया व जाहिद उ बेवाल व अनफोसकुम सभी और की राह में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जहाद करो बस जहाद लाजमी फरीजा है और अल्लाह के यहाँ इसका अजर अजीम है और हमने मुसलमानों को शाम में रोमियों से जहाद के लिए तैयारी का हुक्म दिया है इसकी उनकी नीयतें अच्छी और मरतबा बुलंद है बस एल्लाह के बंदो अपने रब के फ़र्ज और इसके नबी की सुनत और दो में से एक नेक की तरफ जल्दी करो या तो शहादत या फिर फतह और माले गनीमत है अल्लाह ताला अपने बंदे की बेअमल बातों से राजी नहीं होता और ना उसके दुश्मनों से जहाद तर्क करने से राजी होता है यहाँ तक कि वह हक़ को कबूल कर लें और कुरान करीम के हुक्म को मान लें अल्लाह तुम्हारे दीन की हिफाजत करे और तुम्हारे दिलों को हदायत दे और तुम्हारे अमाल को पाक कर दे और तुम्हें सब्र करने वाले वाले मुजाहिदीन जैसा अजरता करे हजरत वक्र ने खत हजरत अनस बिन मालिक के हाथ भेजा था हजरत अनस कहते हैं कि मैं यमन पहुँचा और एक एक मोहल्ले और एक एक कबीले से आगाज़ किया मैं उनके सामने हजरत वक्र खत पढ़ता था और जब मैं ख़त पढ़ने से फ़ारक होता था तो कहता तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा और मुसलमानों का पैगाम रसा हूँ ग़ौर से सुनो मैंने मुसलमानों को इस हालत में छोड़ा है कि वे एक लश्कर की सूरत में जमां हैं उन्हें अपने दुश्मन की तरफ रवाना होने से सिर्फ तुम्हारी यानी मदीना आमद का इंतज़ार रोके हुए है बस तुम जल्दी से अपने भाइयों की तरफ कूच करो ए मुसलमानों अल्लाह तुम परम करे हरत मदीना वापस पहुँचे और हरत व को लोगों की आमद की खुशखबरी सुनाते हुए अर्ज़ किया कि यमन के, के बहादुर दलेर और शाहवार पुरागंदा बालों और गर्दो गबार से भरे हुए आपके पास पहुंचने वाले हैं वो अपने उस बाप और बीवी बच्चों के साथ निकल चुके हैं दूसरी तरफ हजरत खालद बिन सईद तेमा पहुँच कर वहीं मुकम हो गए और अतराफ़ की बहुत सी जमातें उनसे आ मिली रोमियों को मुसलमानों की अजीम लश्कर की खबर हुई तो उन्होंने अपने जेर असर अरबों से शाम की जंग के लिए फ़ौजें तलब कि हजरत खालिद बिन सईद ने हजरत अबर को रोमियों की इस तैयारी के मुतल लिखा हजरत अब अकर जवाबन लिखा कि तुम पेशकदमी करो ज़रा मत घबराओ और अल्लाह से मदद तलब करो इस पर हजरत खालिद बिन सईद रोमियों की तरफ बढ़े मगर जब आप उनके करीब पहुँचे तो वह इधर उधर मुंतशिर हो गए और उन्होंने अपनी जगह को छोड़ दिया हज़त खालिद बिन सईद उस जगह पर काबिल हो गए और अक्सर लोग जो आपके पास जमा थे मुसलमान हो गए हज़त खालिद बिन सईद ने हज़रतब्बकर को इसकी इतला दी हजरतब्बकर ने लिखा कि तुम आगे बढ़ो मगर इतना आगे ना निकल जाना कि पीछे से दुश्मन को हमला करने का मौका मिल जाए हज़त खालिद बिन सईद उन लोगों को लेकर चल पड़े यहाँ तक कि एक मुकाम पर पड़ाव किया वहाँ उनके मुकाबले पर एक रोमी पादरी बहान नामी आया हज़त खालिद बिन सईद ने उसे शिकस्त दी और उसके लश्करों में से बहुत कत्ल किया और बहान ने फरार होकर दुश्मन की होकर दमिश की तरफ बना ली हज खालिद बन सद ने इसकी इतला हजत अबकर को देकर मज़ीद को तलब की उस वक्त हजत ऊबकर के पास यमन से ज, जहाद शाम की वरस से इब्तदाई तौर पर कूच करके आने वाले लोग मौजूद थे इसके अलावा मक्का और यमन के दरमियान के लोग भी आए हुए थे उन लोगों में हज़रत जोल्क भी थे नीज हजरत इकरमा ती मतद्दीन के ख़िलाफ़ जंग से कामयाब होकर हज़त बकर के पास वापस लौटे थे जिनके साथ कुछ इलाकों के और लोग भी थे इन सब के मतलब हजतर ने उमराए सदक़ात को लिखा कि जो लोग तब्दीली के ख़्वा हों उनको तब्दील कर दो तो सब ने तब्दील होना चाहा और इन सब को बदल कर एक नया लश्कर तैयार किया गया इसलिए इस लश्कर का नाम जैशुल बिदाल पड़ गया ये फौजें हज़रत खालिद बिन सईद के पास पहुँचीं इसके बाद भी हज़रत हजरतबूबकर लोगों को शाम की जंग के लिए तकलीफ़ दिलाते रहे ने हज़रत वलीद बिन उकबा हजरत खालिद बिन सईद की तरफ शाम पहुँचने का इशाद फरमाया वो जब खालिद बिन सईद के पास पहुँचे तो उन्होंने उन्हें बताया कि अह मदी अपने भाइयों की मदद के लिए बेताब हैं और कर फ़ौजें भेजने का बंदोबस्त कर रहे हैं यह सुनकर हजरत ख़ालिद बिन सईद की खुशी की इंतहान न रही और उन्होंने इस ख्याल से कि रोमियों पर फतः का फ़खर उन्हीं के हिस्से में आए हजत वलीद बिन अकबा को साथ लेकर रोमियों की अजीम शान फौज पर हमला करना चाह जिसकी क्यादत उनका सिफासलार महान कर रहा था कोया हज खालद बिन सईद ने रोमी लश्कर पर हमला करते वक्त हजतर की इस हदायत को नज़रअंदाज कर दिया कि तुम इतना आगे ना निकल जाना कि पीछे से दुश्मन को हमला करने का मौका मिल जाए और बहरहाल वो अपनी पुशत के दिफा से गाफिल हो गए और दीगर उम्र आके पहुँचने से पहले ही रोमियों से जंग शुरू कर दी बहान अपने साथियों के हमरा उनके सामने से हट कर दमिश की तरफ़ निकल गया बहान का पीछे हटना असल में एक चाल थी वो मुसलमानों को घेरे में लेकर पीछे से उन पर हमला करना चाहता था इस ख़तरे से हजरतवकर ने उन्हें ख़बरदार किया था लेकिन कामयाबी के जज्बे ने हजरत खालिद बिन सईद को खलीफा वक्त की उस तंबीर से गाफल कर दिया और आगे बढ़ने पर उकसा दिया हजरत खालिद बिन सईद दुश्मन की फ़ौज में आगे घुसे गए इस वक्त उनके हमरा हजरत वलीद बिन अकवा के अलावा हज़रतलकला और हजरत इक्रमा भी थे वहाँ हज़रत खालिद बिन सईद को वाहान की फौजी चौकीियों ने एक साथ मिलकर मसूर कर लिया और उनके रास्ते रोक लिए हज़रत खालिद को इसकी खबर तक न हुई इसके बाद वाहान ने पेशकदमी की और एक जगह हजरत खालिद के बेटे सईद को कुछ लोगों के साथ पानी की तलाश में घूमते हुए पा लिया और इन सब को कत्ल कर दिया। हज़रत खालिद बिन सईद को इसकी खबर हुई यानी उनके बेटे और उनके साथियों कतल के होने की खबर हुई शहीद होने की तो सवारों के एक दस्ते के साथ वहाँ से फरार हो गए और बजाय इसके मुकाबला करते वहाँ से छोड़ के चले गए इनके बाद बहुत से साथी भी घोड़ों और ऊँटों पर सवार होकर अपने लश्कर से मुनकते हो गए खालिद शक्स खाते हुए मरवा तक पहुँच गए मगर हजरत इक्रमा अपनी जगह से ना हटे बल्कि मुसलमानों की मदद करते मरवा मक्का और मदीना के दरम्या मदीना से कुछ अनवे के फ़ासले पर एक जगह है बहरहाल हजरतक्रमा ने बहान और इसकी फ़ौजों को हजरत खालिद का तकुब करने से बात रखा इसकी इसकी इतला जब हजरत वक्र को हुई तो आपने हज़रत खालिद से नाराजगी का इजहार फरमाया और मदीना में दाखिल होने की इजाजत न दी अलब बाद में जब उन्हें मदीना में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई तो उन्होंने हजरत उबकर से इस फेल पर माफ़ी मांगी हजर <द्थ> खालिद बिन सईद की इस नाकामी के बावजूद हजतबर सदीक अज़म हौसला में हरगज फ़र्क ना आया जब उन्हें यह खबर पहुँची कि हजतिकमा और हजरतलकला इस्लामी लश्करों को रोमियों के चुंगल से बचा कर वापस शाम की सरहदों पर ले आए हैं और वहाँ मदद के मंतजर हैं तो हजतबर सदीक ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर कुमक भेजने का इंतजाम शुरू कर दिया सिद्दीक ने इस सिलसिले में चार बड़े लश्कर तैयार किए जिन्हें शाम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की जान पर रवाना किया उनकी तफ़ी इस तरह मिलती है एक था लश्कर युजीद लश्कर जो पहला था युजद बिन अबू सफयान का ये हजरत मुआविया के भाई थे और अबू सफयान के ख़ानदान में बेहतरीन आदमी थे बतौर को भेजे जाने वाले इन चार लश्करों में से ये पहला लश्कर था जो शाम की तरफ आगे बढ़ा हजदोवकर ने इस लश्कर का अमीर हजरत जजीद बिन अबूसफान को बनाया उनके ज़िम्मे दश पहुँच कर इसको फ़तह करना और दीगर तीन लश्करों की बवक्ते ज़रूरत मदद करना था इस लश्कर की तादाद इब्तदा में तीन हज़ार थी फिर हज़रत दोबोकर ने मज़ीद इमदाद भेजी जिससे उनकी तादाद तकरीबन सात हज़ार हो गई हज़रत जजीद बिन अबूसफान के इस लश्कर में मक्के के लोगों में से सुहेल में नम्र और इन जैसे और दी मरतबा लोग भी शामिल शरीक थे सुहैल में नम्र ये जमाना जहलीत में क्रैश के सरकरदा लोगों और जी सरदारों में से थे और सुलह सलिया के मौके पर रसूल करीम सल वम के साथ माहिदा करते हुए उन्होंने कुफार मक् की नुमाइंदगी की थी ये फता मक् के मौके पर मुसलमान हुए थे जब हजूबकर ने हज यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान के लिए झंडा बांधा तो रबिया बिन आमर को बुलाया और उनके लिए भी एक झंडा बांधा और उन्हें फ़रमाया कि तुम यज़ीद बिन अबू सुफ़ियान के साथ जाओगे उनकी नाफरमानी और मुखालफत न करना फिर आपने हज यज़ीद बिन अबूसुफियान से फरमाया अगर तुम अपने मुकदमा तोजैश की निगरानी रबिया बिन आमर के सपुर मुनासिब समझो तो ज़रूर ऐसा करना उनका शुमार अरब के बेहतरीन शाहवारों और तुम्हारी कौम के सुल्ह में से होता है और मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि ये अल्लाह के नेक बंदों में से हैं इस पर हज़र यजीद ने अर्ज़ किया इनके बारे में आपके हुसन जन और इनके मतलक आपकी उम्मीद ने मेरे दिल में उनकी मोहब्बत को और ज़्यादा बढ़ा दिया है फिर हजत उनके साथ पैदल चलने लगे तो हजरत यजीद ने कहा कि खलीफत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो आप भी सवार हो जाएं या मुझे इजाज़त दें कि मैं भी आपके साथ पैदल चलना शुरू कर दूं क्योंकि मैं ना पसंद करता हूं कि खुद तो सवार हों और आप पैदल चलें इस पर हजरत अवकर ने फरमाया ना तो मैं सवार होऊंगा और ना ही तुम सवारी से नीचे उतरोगे मैं अपने इन कदमों को अल्लाह की राह में उठते हुए समझता हूँ फिर आपने हज यजीद को वसीत करते हुए फरमाया ए यजीद मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा इख्तीर करने उसकी इतात करने उसकी खातर असार करने और उससे डरते रहने की वसीयत करता हूँ जब दुश्मन से तुम्हारी मुठभेड़ हो और अल्लाह तुम्हें फतः नसीब करे तो तुम खयानत ना करना और मसला ना करना यानी शक्लें ना बिगाड़ना लोगों की मकतलुओं की और तुम बदहदी ना करना और ना ही बुजदली दिखाना और किसी छोटे बच्चे को कत्ल ना करना और ना किसी बूढ़े को और ना ही किसी औरत को और ना खजूर के दरख्त को जलाना और ना ही उन्हें तबाह बर्बाद करना और किसी फलदार दरख्त को ना काटना तुम किसी जानवर को ज़बाना करना सवाय खाने के लिए बिला वजह जानवरों को भी ज़िबानी करना या मारना नहीं और तुम कुछ ऐसे लोगों के पास से गुज़रोगे जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने आप को गिरजों में वक्फ कर रखा होगा बस तुम्हें तुम उन्हें और उस चीज़ को जिसके लिए उन्होंने अपने आप को वक्फ कर रखा होगा छोड़ देना यानी जो राहब हैं गिरजों के पादरी हैं उनको कुछ नहीं कहना और तुम कुछ ऐसे लोगों को भी पाओगे कि शैतान ने उनके सर के बाल दरमियान से साफ किए होंगे उनके सरों का दरमिया हिस्सा इस तरह होगा जैसे तीतर ने अंडे देने के लिए ज़मीन में गढ़ा खोदा हो एक रवायत में ये भी है कि ये, ये अल्फाज हैं कि तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने सर के बाल दरमियान से साफ किए होंगे और चारों तरफ से पट्टियों की माने बाल छोड़े होंगे बस तुम उनके सरों के साफ़ किए हुए हिस्सों पर तलवार से दर्प लगाना इन लोगों को जो मारने का हुक्म है इन लोगों के बारे में मुखल रवायात हैं कहा जाता है कि ईसाइयों का एक ग्रोह था जो राहब तो नहीं थे लेकिन मजहबी लीडर थे जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग के लिए भड़काते रहते थे और जंग में हिस्सा भी लेते थे इसलिए हज़रत तो ने यह तो फरमाया कि जो राहब हैं गिरजाओं के अंदर हैं उनको कुछ नहीं कहना लेकिन ऐसे लोग और इन लोगों के पीछे चलने वाले जो लोग हैं जो जंग के लिए भड़काते हैं और जंग करते हैं मुसलमानों से इनसे बहरहाल जंग करनी है क्योंकि ये लोग जंग करने वाले भी हैं और जंग के लिए भड़काने वाले भी हैं यहाँ तक फरमाया कि यहाँ तक इनसे जानकर नहीं है यहाँ तक कि वो इस्लाम की तरफ मायल हो जाएँ या बेबस होकर जजिया दें जो अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करता है अल्लाह ताला ग़ैब से उसकी मदद करता है और मैं तुम्हें सलाम कहता हूँ और अल्लाह के पुरद करता हूँ एक और रवायत में इनके अलावा मज़ीद हजायत का भी जिक्र मिलता है चनाचे दिखा है कि हजतबूबर ने हज जजीद बिन अबूसूफी को फरमाया मैंने तुम्हें वाली मुक्र किया था किया ताकि तुम्हें आजमाऊँ तुम्हारा तजर्बा करूँ और तुम्हें बाहर निकाल कर तुम्हारी तरबियत करूँ अगर तुमने अपने फरज़ बहूसन ख़ूबी अदा है, तो तुम्हें दोबारा तुम्हारे काम पर मुकर करूँगा और तुम्हें मजीद तरक्की दूँगा अगर तुमने कोताही की तो तुम्हें मज़ूल कर दूँगा अल्लाह के तखबा को तुम लाजम पकड़ो वो तुम्हारे बातन को इसी तरह देखता है जिस तरह ज़ाहिर को देखता है लेकिन मैं खुदा के ज़्यादा करीब लोगों में नाया कि लोगों में खुदा के ज़्यादा करीब वो है जो अल्लाह से दोस्ती का सबसे बढ़ कर हकदार हक अदा करने वाला है और लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब वो शख्स है जो अपने अमल के ज़रिए सबसे ज़्यादा उससे कुर्बत हासिल करे मैंने खालिद बिन सईद की जगह तुमको मुकर्र किया है जाहली तसब से बचना अल्लाह को ये बातें और ऐसा करने वाला इंतहाई नापसंद हैं जब तुम अपने लश्कर के पास पहुँचो तो इनके साथ अच्छा बर्ताव करना उनके साथ खैर से पेश आना और उनको खैर का वादा दिलाना और जब उन्हें वाज़ व करना तो मुख्तर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा गुफ्तु बहुत सी बातों को भुला देती है तुम तो अपने नफ्स को दुरुस्त रखो लोग तुम्हारे लिए दुरुस्त हो जाएंगे अपने आप को ठीक रखोगे लीडर ठीक रखें तो लोग खुद दुरुस्त हो जाएंगे और नमाजों को उनके अवात पर रखू वजूद को मुकमल करते हुए अदा करना इनमें खुशबू व खजू का मुकम्मल एहतमाम करना और जब दुश्मन के सफ़ीर तुम्हारे पास आए तो इनका इकराम करना सफ़ीर आता है उसकी इज्जत करनी है उन्हें बहुत कम ठहराना और तुम्हारे लश्कर से जल्द निकल जाएँ ताकि वो इस लश्कर के बारे में कुछ जान ना सकें यह भी एक मत है कि सफीर आएँ तो उनको कम से कम ठहराओ और जल्दी रखसूल कर दो और अपने अवाल पर उनको मतलाना होने देना कि उन्हें तुम्हारी खराबी का पता चल जाए और वो तुम्हारी मालूम हासिल कर लेंगे उन्हें अपने लश्कर के जमघटे में रखना अपने लोगों को उनसे बात करने से रोक देना जब तुम खुद उनसे बात करो तो अपने भेद को जाहिर न करना वरना तुम्हारा मामला गलत मलत हो जाएगा जब कुछ किस, तुम किसी से मशवरा लेना बात सच कहना सही मशवरा मिलेगा मशीर से अपनी खबर मत छुपाना वरना तुम तुम्हारी वजह से तुम्हें नुकसान पहुँचेगा ये भी एक असूल है जिसे मशवरा लेना है उसको फिर हर बारीक बात भी बतानी पड़ती है ताकि वो सही मशवरा दे सके और कम से कम नुकसान हो रात के वक्त अपने दोस्तों से बातें करो तुम्हें बहुत सी खबरें मिल जाएंगी और मालूम इकट्ठी करो रात को और पोशीदा बातें तुम पर ज़ाहिर हो जाएंगी हिफाजती दस्ते में ज़्यादा अफराद को रखना और उन्हें अपनी फ़ौज में फैला देना और अक्सर बग़ैर अतलात दिए अचानक उनकी चौकीियों का मुआयना करना जिसे अपनी हिफाजत गह से काफ़िल पाओ उसकी अच्छी तरह तरदीब करना और सजा देते हुए अफरा अफराद से काम न लेना रात में उनकी बारियाँ मुकर करना अव्वल शब की बारी आखिरी शब से लंबी रखना क्योंकि दिन से करीब होने की वजह से ये बारी आसान होती है शुरू रात की जो ड्यूटी है वो लम्बी रखो क्योंकि वो जागना आसान है उसमें और आखिरी रात की बारी जो ड्यूटी है वो कम हो सजा के मुस्क को सजा देने से मत डरना इसमें नरमी न करना सजा देने में जल्दी ना करना और ना बिल्कुल नज़रअंदाज करना फिर फरमाया कि अपनी फौज से गाफिल ना रहना कि वो ख़राब हो जाएं, और उनकी जासूसी करके उनको रसवा ना करना उनकी राज की बातें लोगों से ना बयान करना इनके जाहिर पर इतफा करना बेकार किस्म के लोगों के साथ मत बैठना सच्चे और वफादार लोगों के साथ बैठना दुश्मन से मुठभेड़ के वक्त डट जाना बुजदिल ना बनना वरना लोग भी बुजदिल हो जाएंगे माले को नियमित ख्यात से बचना ये मोताजी से करीब करती है और फतवा नसरत को रोकती है तुम ऐसे लोगों को पाओगे जिन्होंने अपने आप को गिरजों में वक्त कर रखा होगा बस तुम उन्हें और जिस काम में उन्होंने अपने आप को मशहूर रखा होगा उसे छोड़ देना तो ये एक मुकम्मल आयामल है जो हर लीडर के लिए हर अहदेदार के लिए काम करने के लिए अमल करने के लिए बड़ा ज़रूरी है इसके बाद हज दोबकर ने हज जजीद का हाथ पकड़ा और उन्हें इलिदा करते हुए फरमाया तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने मुसलमानों के मोजुजीन पर अमीर मुकर किया है जो ना तो कम हैसियत के लोग हैं ना कमज़ोर ना घटिया नामहबी तशद तो रखने वाले हैं बस तुम इनके साथ अच्छा सलूक करना और उनके साथ नरम रवैया अख्तियार करना और अपना बाजू को झुकाए रखना और उनसे अहम मामलों में मशवरा करना उसने सलूक करना अल्लाह तुम्हारे लिए तुम्हारे साथियों को उसने सलूक करने वाला बनाए और फिर फरमाया कि हमारी खिलाफत की ज़िम्मेदारी की अदायगी में मदद फरमाए फिर हज़ार जदीद अपने लश्कर को लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए हजदोबकर हर सुबह शाम नवाज़ फजर और असर के बाद ये दुआ किया करते थे कि अः अल्लाह तूने हमें पैदा किया हम कुछ भी ना थे फिर तूने अपनी जनाब से रहमत और फजल करते हुए हमारी तरफ़ एक रसूल भेजा फिर तूने हमें हदायत दी जबकि हम गुमराह थे और तूने हमारे दिलों में ईमान की मोहब्बत डाल दी जबकि हम काफिर थे हम तादाद में थोड़े थे और तूने हमें ज़्यादा क्य किया हम प्रागंदा थे तूने हमें इकट्ठा कर दिया हम कमज़ोर थे तूने हमें ताकत बख्शी फिर तूने हम पर जिहाद फ़र्ज किया और हमें मशर्किन से उस वक्त तक जंग करने का हुक्म दिया यहाँ तक कि वो ला लाला ला का इकरार कर लें और वो अपने हाथ से जजिया अदा करें और बेबस हो चुके थे एल्ला तो मुसलमान हो जाएँ या अगर मुसलमान नहीं होते तो फिर जजिया अदा करें एल्ला हम तेरे इस दुश्मन से जिहाद के बदले तेरी खुशनुदी के खवाहा हैं जिसने तेरे साथ शर्क शरीक ठहराया और तेरे सिवा और मबूदों की इबादत की अल्लाह तेरे सिवा कोई मबूद नहीं ालम जो कहते हैं तेरी शान उससे बहुत बुलंद है ए अपने मुशरिक दुश्मनों के मुकाबले में अपने मुसलमान बंदों की मदद फरमा अल्लाह उन्हें आसान फता नसीब फरमा और उनकी भरपूर मदद कर उनमें से जो कम हिम्मत हैं उन्हें बहादुर बना दे और उनके कदमों को सुबात बख्श और उनके दुश्मनों को लुड़खड़ा दे और उनके दिलों में रोप डाल दे और उनको तबाह बर्बाद कर दे और उन्हें जड़ से काट डाल और उनकी खेतियों को तबाह कर दे और हमें उनकी ज़मीनों उनके घरों उनके अंबार और उनके निशानात का वारिस बना और तू हमारा वली और हमार, हम पर मेहरबान हो जा और हमारे मामला को दुरुस्त कर दे तेरी नेमतों से हिस्सा पाने के लिए हमें शुक्रगुजार लोगों में से बना दे तो हमें और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को और मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को भी बख्श दे इन में से जो जिंदा हैं उनको भी और जो अफाद पा चुके हैं उनको भी अल्लाह हमें और तुम्हें दुनिया और आखरत में कॉलेज साबित के साथ मजबूती से खड़ा रहने वाला बनाए यकीनन वो मोमिनों के साथ बहुत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है दूसरा लश्कर जो था शराबील बिन हसना का था और शराबील बिन हसना के वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन मता और वालदा का नाम हसना था आपकी कुनीत अबू अब्दुल्ला थी और शराबील के वालिद उनके बचपन में ही फौत हो गए थे और ये अपनी वालदा हसना के नाम पर शराबील बिन हसना के और शराबील इब्तई इस्लाम लाने वालों में से थे खिलाफ़त रास्ता में ये मशहूर सिपा सलारों में से थे एक थे मैं, में से एक थे अठारह हिजरी में सतासठ साल की उम्र में उनकी वफात हुई हजरत शुरबील बिन हसना की रवानगी के लिए हजरतवकर ने हजरत जजीद बिन अबू सुफियान की रवानगी के तीन दिन बाद की तारीख मुकर की फरमाई जब तीसरा दिन गुजर गया तो आपने हजरत शराबील को अलविदा कहा और फरमाया ए शुरबील क्या तुमने यजीद बिन बिनुसफियान को जो वसीयत मैंने की दी उसको नहीं सुना उन्होंने अर्ज़ किया क्यों नहीं जो नसीहत में पढ़ी हैं पहले मैंने सुनी है इस पर हस्तगबों कर ने फरमाया मैं तुम्हें इसी की मानद वसीयत करता हूँ और इन बातों की भी वसीयत करता हूँ जिनका जिक्र यजीद को करना भूल गया था मैं तुम्हें नमाज़ वक्त पर अदा करने की वसीयत करता हूँ और जंग के रोज़ साबित कदम रहने की यहाँ तक कि तुम फतह हासिल कर लो या शहीद हो जाओ और मज़ीर मरीज़ों की अयादत करने और जनाज़ों में शामिल होने और हर हाल में बक़सरत अल्लाह का जिक्र करने की वसीयत करता हूँ अबू सफिया ने आपसे अर्ज़ किया कि यजीद इनफ़ात पर पहले ही कारबंद है और शाम जाने से कबल ही उस पर दवाम अख्तियार किए हुए था अब वो इसको ज़्यादा लाजम कर लेगा इन श्लाशर अबील ने जवाब दिया अल्लाह से मदद मांगते हैं जो अल्लाह चाहेगा वही होगा फिर को अलविदा कहा और अपने लश्कर के साथ जाने पर शाम रवाना हो गए हजरत शराबील के लश्कर की तादाद तीन हज़ार से चार हज़ार तक थी आपको ये हुक्म फरमाया कि तबूक और बलका जाएँ और फिर बसरा के का रुख करें और ये आखिरी मंजिल हो वसरा शाम का एक अदीम और मशहूर शहर है हजरत शराबील बलका की तरफ रवाना हो गए कोई काबिल ज़िक्र मुकाबला ना हुआ बल्का जो है ये भी शाम के इलाके में वाक़ है आपका लश्कर बिन जरा के बाएँ और लश्कर अमर बिन आस के दाएं जानब चलते हुए बलका पहुँचा और अंदर घुस गया और बुसरा पहुँच कर उसका मुहासरा महा, कर लिया लेकिन फ़तह हासिल ना हो सकी क्योंकि रोमियों के महफूज़ और मज़बूत मराकज़ में से था तीसरा लश्कर अबूबैदा बिन जरा का था हज़त तो उबैदा बिन जरा का नाम आमिर बिन अब्दुल्ला था और इनके वालिद का नाम अब्दुल्ला बिन जरा था हज़त तो उबैदा अपनी कुनीत की वजह से ज़्यादा मशहूर हैं जबकि आपके नसब को आपके दादा जरा से जोड़ा जाता है आप उन दस सबा में से हैं जिनको रसूल वसलम ज़िंदगी में जन्नत की विशारत दी थी जिन्हें अशरय वशरा कहते हैं इनकी इफात अठारह हजरी में हुई उस वक्त उनकी उम्र अठावन साल थी तीसरा लश्कर जो हजूबकर ने शाम की जान रवाना किया जैसा कि मैंने कहा वो उसके अमीर हज अबूबैदा थे उनको हिमस की जान रवाना फरमाया था हिमसपी दमिश के करीब शाम को एक अदीम शहर और बड़ा शहर था हज़रत के लश्कर की तादाद सात हज़ार थी जबकि एक रवायत के मुताबिक आपके लश्कर की तादाद तीन हज़ार से चार हज़ार तक थी हज़रत रास्ते में गुज़रते हुए बलगा की एक बस्ती माँ आप के पास से गुज़रे ये कोई शहर नहीं था बल्कि खेमों की एक बस्ती थी वहाँ के लोगों से आपकी जंग हुई मगर फिर उन लोगों ने आपसे सुलह की दरख्वास्त की जिस पर आपने उनके साथ सुलह कर ली ये सब से पहली सुलह थी जो शाम के इलाके में हुई हजरत अबकर ने हजत अबूबैदा के साथ कैसबिन हुबैरा को भी रवाना फरमाया था हजरत अब्बकर ने उनके मतलब अबूबैदा को वसीयत करते हुए फरमाया तुम्हारे साथ अरब के शाहवारों में से एक अजीम शरफ व मंजिलत का शख्स है मैं नहीं समझता कि जिहाद के मामले में इससे बढ़कर कोई नक नीयत हो इसकी राय और मशवरे से और जंगीवत से मुसलमान बेनियाज नहीं हो सकते उसको अपने से करीब रखना और उसके साथ लुफफरों का बर्ताव करना और उसे ये महसूस कराना कि तुम उससे बेनियाज नहीं हो इससे तुम्हें उसकी खैरखाई हासिल रहेगी और दुश्मन के मुकाबले में उसकी कोशें तुम्हारे साथ होंगी हज़त वो वैदा वहाँ से चले गए तो हजत अब्बकर ने कैस बिन हुबैरा को बुलाया और फरमाया तुम्हें तो अबू उबैदा अमीन उम्मत के साथ भेज रहा हूँ इन पर अगर जुल्म किया जाए तो उसके बदले में जुल्म नहीं करते और अगर उनके साथ बदसलूकी की जाए तो माफ़ कर देते हैं और अगर उनसे ताल्लुक तो, तोड़ा जाए तो उसको जोड़ने के लिए कोशिशें होते हैं ममिनों के साथ बड़े रहीम हैं और कुफार के मुकाबले में सख्त हैं तुम उनकी हुकली ना करना और ये तुम्हें खैर ही का हुक्म देंगे मैंने उनको हुक्म दिया है कि वो तुम्हारी बात सुने लिहाजा तुम उन्हें अल्लाह का तकबा इख्तियार करते हुए मशवरा देना हम सुनते आए हैं कि तुम शर्क और दौरे जाहिलियत में जंग के तजर्बाकार सरदार हो जबकि जाहिलियत में गुनाह और कुफर पाया जाता था लिहाजा तुम अपनी कुत और बहादरी को इस्लाम की हालत में काफरों और उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल में लाओ जिन्होंने अल्लाह के साथ शर्क ठहराया इसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अजर अजीम और मुसलमानों के लिए इज़्ज़त तो वलबा रखा है ये नसीहत सुनकर कैसमिन ने अर्ज़ किया अगर आप जिंदा रहे और मैं भी जिंदा रहा तो आपको मेरे बारे में मुसलमानों की हिफाजत और मशरकों के ख़िलाफ़ जहाद की ऐसी खबरें पहुँचेंगी जो आपको पसंदीदा होंगी और आपको खुश कर देंगी हजतबू कर ने फरमाया तुम जैसा शख्स ही ऐसा कर सकता है और जब बकर को जाबिया में दो कमांडरों के साथ इनकी वार्जत और इनके दोनों की मौत के घाट उतार देने की खबर पहुंची तो आपने फरमाया कैसे ने सच कर दिखाया और वादा पूरा पूरा कर दिया ये बाकी जिक्र है और आइंदा चलता रहेगा इस वक्त मैं एक शहीद का जिक्र करना चाहता हूँ ये हमारे शहीद नसीर अहमद साहब हैं अब्दुल गनी साहब के बेटे थे रबा में दारोलह मशर्की में रहते थे 12 अगस्त को एक मानद अहमियत ने खजरों के बाहर करके इनको शहीद कर दिया इना वन राजे हूँ तफसीतारत के मुताबिक नसीर अहमद साहब बस स्टॉप पर अपने एक अखबार फरोश दोस्त के पास रुके तो एक मजहबी जुनूनी हाफु शहजाद हसन वहाँ आ गया और उनसे पूछा कि क्या आप अहमदी हैं जिस पर नसीर अहमद साहब ने जवाबन कहा कि मेरा ताल्लुक जमात अहमदिया से है जिस पर मस्कूर शख्स ने जमात मुखालफाना नारेबाज़ी का मुतालबा किया इनकार पर अपने थैले से खंजर निकाल कर नारे लगाते हुए नसीर अहमद साहब पर वार किए मतदद वार मतदद और चंद सेकंड में इतने वार किए कि वो जानलेवा सबत हुए बहरहाल खंजर के दो वारों की ताबना लाते हुए ये शहीद हो गए इनकी उम्र शहादत के वक्त बासठ साल थी बकुआ के बाद कातिल ने अपने बयान में कहा कि मुझे इस फेल पर कोई शर्मिंदगी नहीं है और आइंदा भी मौका मिला तो इस काम से गुरेज नहीं करूँगा ये सारा वाक़ यह हुआ है एक दो मिनट में हुआ बल्कि एक मिनट के अंदर अंदर ही और कहते हैं कि दो मिनट ढाई तीन मिनट के अंदर अंदर उनको अस्पताल ही पहुँचा दिया था लेकिन बहरहाल अल्लाह को ये मंजूर था और वो जो भी वार थे जानलेवा साबित हुए और शहीद हुए शहीद मरहूम के ख़ानदान में अहमदीत का नफोज शहीद मरहूम के दादा मुकरम फिरोज दिन साहब और रायपुर ज़िला सियालकोट के जरिए हुआ जिन्होंने उन्नीस सौ पैंतीस में खिलाफ़त में बैत करके अमरीत में शमूलियत इख्तियार की थी प्राइमरी तलीम के बाद इन्होंने आगे नहीं पढ़ाई की अपने आवाई पेशा जिम्मेदारा से मुंसलिक हो गए दस साल पहले ये फिर ये बाहर भी कुछ अरसा अच्छा रहे मलाइिया वगैरह में मुलाजमत करते रहे फिर पाकिस्तान आ गए दस साल पहले ये रायपुर जिला सियालपुर से, से रवा शिफ्ट हुए आजकल फारक थे तो काम नहीं कर रहे थे दिल के मरीज भी थे ज़्यादा वक्त महल्ला की सतह पर जमाती में गुजारते थे इस वक्त भी मजलूसार्ला बतौर मनुब मिसार और मोहसल, शोभा माल ख़िदमत की तफीक पा रहे थे बेशुमार खूबियों के मालिक थे मोहल्ले में हर किसी की मदद बिलखसूस यामों और गरीबों की मदद के लिए हर हरदम तैयार रहते बस की सफाई का भी ख़ास ख्याल रखते नहाय दयानदार मेहनती मिलनसार और दिलेर इंसान थे टांग में चोट लगने वजह से फ्रैक्चर हो गया था इसकी वजह से चलने में भी दिक्कत थी लेकिन इसके बावजूद भी रात के वक्त जमाती तौर पर अगर बुलाया जाता है ड्यूटी और पैरे के लिए तो हाज़िर हो जाते खुद पर सुनने का बायदा इंज़ाम था नमाज़ों की अदायगी का बिलखसूस अहमाम करते और जायज़ा भी लेते अपने मोहल्ले में खिलाफुज से इनका वालिहाना इश्क था नमाज़ फजर के बाद एक घंटा मोबाइल फ़ोन पर तलावत की समात कर इनका रोज़ाना का मामूल था और तकरीबन रोज़ाना दुआ के लिए कब्रिस्तान जाए जाते थे विष्णु में भी और सदर मोहल्ला कहते हैं कि जब भी जमाती काम के लिए जरूरत पड़ी शहीद मरहूम फ़ौर हाज़र होते और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इनकार किया हो मरहूम की बेटी मुबारका साहिबा कहती हैं कि शहादत से चंद दिन कबल उन्होंने ख्वाब में देखा कि लोगों का हजूम है और सदमे का माहौल है जिस पर सदका भी दिया गया शहीद मरहूम गुजतर कुछ अरसों से खुद भी बार बार इजहार करते थे कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वक्त कम रह गया है इनकी अली प्रवीण अख्तर साहबा के अलावा तीन बेटियाँ और तीन बेटियाँ हैं जो इनकी यादगार हैं अल्लाह ताला इन सबको सबर अवौस तरमाए इनके भाई तनवीर अख्तर साहब कहते हैं कि ज़ाहरी तालीम और जमात के मतलब तो अच्छे इलम इतना नहीं था लेकिन बचपन से ही जमात के लिए बेहद गैरत थी और खिलाफत से बेनत प्यार था एक सादा दिल और बे इंसान था और दूसरों को खुश देख कर खुशी पाता था लाहौर से ईदों के मौके पर घर आते तो बहुत से खाने पीने का सामान लेके आते और हमेशा बहुत अच्छे नए कपड़े अपने लिए सिलाई सला, करवा के लाते और सिर्फ कहते हैं कि ईद के रोज़ पहनते और फिर वो सूट क्योंकि मैं वक् ज़िंदगी था तो मुझे दे दिया करते थे और मेरा पुराना सूट ले लेते थे इनका भतीजा कहते हैं कि फ़ोन हर वक्त अपने साथ रखते थे कि जमात में से किसी को मदद की ज़रूरत पड़ सकती है अगर अगर फ़ोन ना हुआ पास तो कुछ रबता किस तरह होगा रात रात के औकात में भी फ़ोन बजता तो फ़ौर उठकर जमती की खदमत के लिए तैयार हो जाते रवा के कोने कोने में, में, में मदद के लिए जाना पड़ता जाते खून के अहतियात के लिए हमेशा तैयार रहते और इस तरह बेशुमार लोगों की जाने बचाने का सबब बने दिल की बीमारी की आपने कभी परवाह नहीं की आपके नज़दीक ज़रूरतमंद मंदों की इमनात करना अखलाकी फ़र्ज था जिसकी आपकी बीमारी से ज़्यादा आहम, इसकी अहमियत आपको ज़्यादा थी अल्लाह ताली शहीद मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और जुलंद फर दो में अला मुकाम अता करे और पसमानदगान का भी हाम हो उनकी देखियों को जारी रखने की इमदील्ला को भी तोीक दे नमाज के बाद में इनशाला जनाजा वैब भी पढ़ाऊँगा इनका अल्हम्दुलिल्लाह الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. إبعاد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم Wa la dhikrul akbar